क्रिस्पी एग फ्रेंच फ्राइज रेसिपी। एक गांव में रवि नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत भोला था, लेकिन वो खेत में बड़ी मेहनत करके फसल उगाया करता था। लोग उसके भोलेपन को देखकर हंसते थे, कुछ लोग तो उसका बहुत मजाक भी उड़ाते थे। उसकी श्रीदेवी नाम की एक पत्नी थी। एक बार रवि फसल बेचकर मिले पैसों को लेकर घर आया। उसकी पत्नी को पैसे दिया। उसकी पत्नी पैसों का हिसाब करते हुए, ये क्या जी, हमें और 20,000 मिलने चाहिए ना, यूं पूछी रवि। 20,000? पता नहीं, वो कैलकुलेटर में कुछ कुछ हिसाब करके मेरे हाथ में ये पैसे रखे, यूं कहा। तब उसकी पत्नी श्रीदेवी क्या बात करे समझ नहीं पाई और सर पकड़ ली। कुछ दिनों बाद श्रीदेवी रवि को बीज लाने के लिए पैसे देती हुई, ओ जी जानते हो ना, अब हमें टमाटर का फसल उगाना है और कोई फसल नहीं उगाएंगे। आलू का फसल तो बिल्कुल नहीं उगाना है, पहले ही इस बार सब लोग आलू का फसल उगा रहे हैं, ऐसे टीवी में कह रहे हैं, हम भी वही डालेंगे तो नुकसान हो जाएगा, कहीं भूल मत जाना, टमाटर 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 कहते हुए जाइएगा, यूं बोली रवि। ठीक है कहकर टमाटर टमाटर कहते हुए बीज बेचने वाले के दुकान गया। वो दुकान वाला रवि को दूर से देखकर उसके काम वाले से, अरे वो भोला चक्रवर्ती आ रहा है, आप देखो मैं उसके साथ कैसे खेलता हूँ, यूं कहा। रवि टमाटर टमाटर कहते हुए, मुन्ना भाई मुझे टमाटर का बीज दो, यूं कहा। तब मुन्ना, हाँ हाँ ठीक है कहकर रवि को टमाटर के बीज के पैकेट में आलू बीज डालकर दे दिया। ये सबसे अनजान होकर रवि वो आलू के बीज को ही बो दिया। कुछ दिनों बाद उसमें से आलू का फसल उगने लगा। वो देखकर उसकी पत्नी, ओ जी ये क्या है, ये टमाटर का फसल क्यों नहीं उगा। रवि, मैं उस दुकान वाले को तो टमाटर बीज देने को कहा था, वही ऐसा आलू का बीज दे दिया, यूं भोला होकर कहा श्रीदेवी। बाप रे बाप, पैसे नहीं है सोचकर अपने जेवर गिरवी रखकर पैसे दीना जी, यूं रोने लगी। रवि को लेकर मुन्ना के दुकान पर गई। श्रीदेवी मुन्ना से, क्यों रे मुन्ना, मेरे पति भोले हैं ये जानकर उन्हें आलू के बीज दिए, यूं बोली मुन्ना। अरे ओ, तुम्हारे पति खुद आलू के बीज ही मांगा, इसलिए वही दिया, देखो मेरे पास काम करने वाला ये छोटू भी गवाह है, यूं कहा। श्रीदेवी, समझ गई रे, तुम लोग सब हमारा नाश करने के लिए ऐसे किए ना, यूं कहकर वहां से चली गई। लेकिन दूसरी तरफ रवि उस फसल को अच्छे से पानी देने लगा, आलू का फसल अच्छे से उगा। लेकिन श्रीदेवी वो फसल बिकेगा नहीं सोचकर घबराई हुई थी। तभी वहाँ श्रीदेवी का भाई नानी आया। नानी श्रीदेवी से, दीदी इतना परेशान क्यों बैठी हो, क्या हुआ, यूं पूछा। तब श्रीदेवी नानी से जो हुआ वो बोली। नानी, बस उतना ही, अब तुमको वो फसल बेचना है, लेकिन आलू का फसल बहुत लोग ने डाला है, इसलिए कोई नहीं खरीदेगा, यही फिक्र है ना। दीदी हम आपके फसल को बेचेंगे नहीं, यूं कहा श्रीदेवी। क्या रे, तुम भी मेरे पति की तरह बात कर रहे हो, इस फसल को बेचेंगे नहीं तो हमें पैसे कैसे मिलेंगे, यूं बोली। तब नानी, दीदी हम आपके फसल को बेचेंगे नहीं, लेकिन उस आलू से फ्रेंच फ्राइज बनाकर खिलाएंगे, तुम्हारे लिए गाड़ी स्टव ये सब निवेश के पैसे मैं दे दूंगा, अंडों का बिजनेस में मुझे अच्छे से पैसे मिले, हमारे गांव में फ्रेंच फ्राइज का बहुत डिमांड है, वही बेचो, यूं कहा। इस तरह श्रीदेवी जैसे नानी ने कहा, नानी के गांव में फ्रेंच फ्राइज बेचना शुरू करी। रवि आलू को काटने लगा, श्रीदेवी तेल में डालकर तलने लगी, सबको सर्व करने लगी। जितना भी करते लेकिन उनका व्यापार उतना बड़ी नहीं रहा था। एक बार श्रीदेवी नानी से, रे मेरा फ्रेंच फ्राइज व्यापार ठीक से नहीं चल रहा है, हमारे जैसे ही कई लोग बेच रहे हैं ना, इसीलिए ज्यादा लोग खरीद नहीं रहे होंगे, हमें कुछ वैरायटी करना होगा रे, तुम्हारे अंडों के व्यापार की तरह ही मेरा भी व्यापार अच्छे से चले, ऐसे कुछ करो ना भाई, यूं बोली। तब नानी जोर से आइडिया, यूं चिल्लाया। श्रीदेवी, क्या हुआ, क्या आइडिया है, यूं पूछी नानी। मैं बोलूंगा नहीं, सिर्फ करके दिखाऊंगा, कहकर अपने पास से अंडे लाकर उन्हें तोड़कर उन अंडों में फ्रेंच फ्राइज डुबाकर तेल में डाला, ऐसे ही करके बेचने के लिए कहा। श्रीदेवी फिर इस तरह क्रिस्पी एग फ्रेंच फ्राइज बेचना शुरू की।
उसका स्वाद अच्छा होने से लोग लाइन में खड़े होकर वो फ्रेंच फ्राइज खाने लगे। कुछ ही समय में उनका एक फ्रेंच फ्राइज बंडी खूब मशहूर हो गया, अच्छे पैसे कमाने लगे। श्रीदेवी अपने जेवर छुड़वाकर बड़ा घर भी खरीदी। रवि उसे फ्राइज बेचने में मदद करने लगा। श्रीदेवी को इतना बढ़िया आइडिया देकर उसकी इतनी मदद करने के लिए अपने भाई का खूब शुक्रिया अदा किया।